हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी विधायक के बम से उड़ाने वाले बयान पर बोले सपा नेता, भगवा आतंकियों को, कानून का डर नहीं है, इनको बचाने के लिए मोदी योगी हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं उन्हें बम से उड़ा देना चाहिए। मीडिया से बातचीत के दौरान विक्रम सैनी ने कहा, जो लोग देशद्रोही हैं और कहते हैं उन्हें यहाँ खतरा महसूस होता है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बीजेपी विधायक ने आगे कहा कि अगर सरकार उन्हें मंत्रालय देती है तो वो ऐसे लोगों पर बम फोड़ देंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद बीजेपी को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी दल के नेताओं ने इसके लिए बीजेपी की चरमपंथी विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने ट्विटर के जरिए इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, देश में लोगों को बम लगाकर हत्या कर देने का खुलेआम ऐलान करने वाले विधायक केवल बीजेपी के ही हो सकते हैं। भगवा आतंकवादी को इस देश के कानून का कोई डर नहीं, इनको बचाने के लिए योगी और मोदी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के यूपी चीफ राज बब्बर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी विधायक विक्रम सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने कहा, बीजेपी विधायक एक आतंकवादी की तरह बात कर रहे हैं, उनके टेरर लिंक की जांच की जानी चाहिए। गौरतलब है कि बीजेपी विधायक विक्रम सिंह के बम से उड़ा देने वाले बयान को नसरुद्दीन के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने देश के मौजूदा माहौल पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने बुलंदशहर हिंसा के परिप्रेक्ष्य में कहा, लोगों को कानून अपने हाथों में लेने की खुली छूट मिल गई है। कई इलाकों में हम लोग देख रहे हैं कि एक पुलिस अफसर की मौत के बजाय एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।